बट टाइम के बहुत पाबंद है मैंने देखा है, बहुत टाइम ट्रेन सारी ट्रेन टाइम पे चला जाते हैं सॉरी, इसीलिए हम लोग से आके ट्रेन मिस हो जाती है। मैं ना टाइम पे था, आई वाज ऑन टाइम, ठीक है, 9:35 की ट्रेन, 9:20 के आसपास मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया, ठीक है, मैनेजर समेत, ठीक है, सारा सामान मैनेजर लेके मैं अपना पहुंच गया। अच्छा, एक मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, प्लेटफॉर्म पे पहुंचते ही मुझे भूख लग जाती। अच्छा, यहाँ पे स्टेशन भी एकदम बढ़िया है, ऐसा नहीं इंडिया टाइप है कि वो एक वो लेज लटका के खड़ा हुआ है, एक वो कैंडी लेके खड़ पाती है। तो मैंने कहा सुन, मैं कुछ लेके आता हूँ। अच्छा, मैं लेके आया, मैं आ भी गया टाइम पे, मैं घड़ी देख के गया था, 5 मिनट में वापस आ गया। अच्छा, एक तो यहाँ लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम है, वो ऐसा गुड़ा उगड़ा भगवान नहीं जाने ये क्या बोलते हैं ये। हाँ, अच्छा, हमसे एक्सपेक्ट करते हैं हम जर्मन सीखे, तुम इंग्लिश सीख लो थोड़ी सी। हाँ, गुआ गुआ गुड़श, ठीक है, तो वहां जा रही थी ट्रेन, गुआ गुआ गुड़श। मुझे जाना था बर्लिन, तो मुझे लगा हो सकता है जर्मनी में बर्लिन को गुआ गुआ गुड़श कहते हो। तो मैं ना मैनेजर की तरफ जा ही रहा था, वो वहां खड़ा था बैग लेके, तो यहाँ पे ना ट्रेन खड़ी हुई प्लेटफॉर्म पे, तो उसका दरवाजा ना टूटू टूटू करने शुरू हो गया। मैं कह छोड़ के चली जाएगी, मैं कह 150 यूरो का नुकसान हो जाएगा। मैं पावर म्यूजिक लेके मैं ऐसे चढ़ गया उसमें, अब मैं चढ़ गया, दरवाजा हो गया बंद। और हैमबर्ग, हैमबर्ग में कोई भी सियाना बंदा नहीं जाता, अनलेस उसको प्लॉट की रजिस्ट्री करानी हो, वो नहीं बंदा जाता। बर्लिन तो फिर लाइक इट्स अ कॉस्मो टाउन विद अ फेयरली यू नो लॉट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग नेटिव जर्मन्स, बट मेरे को बर्लिन जाना था अभी, हैमबर्ग में तो कोई भी नहीं बोलता। तो मैं अंदर पहुंच, अंदर जाके ना बिल्कुल डकैतों की तरह मैं अंदर पहुंचूंगा, मैं एक्सक्यूज मी, वो आंटी ने अपना दुपट्टा वट्टा संभाला, आंटी अपना चली गई। तो मैं कहा एक्सक्यूज मी बर्लिन बर्लिन, वो कह रहे वो अब वो बोल ही नहीं पा रहे इंग्लिश, ठीक है, मैं दूसरे कोच में घुसा, मैं एक्सक्यूज मी। पर फिर मैंने थोड़ी सी अपना दिमाग लाया, मैं कहा देख ऐसा है, उसको अगर ये पूरा सेंटेंस नहीं समझा कि डज दिस ट्रेन गो टू बर्लिन, ये ना बर्लिन तो समझ में आया होगा ना, अनलेस इट इज कॉल्ड हॉपर आउट ऑफ फॉल्च, अनलेस, मैं कहा बर्लिन तो समझ में आ गया होगा। तो मैं कहा बर्लिन पे भी एक्नॉलेज नहीं करा किसी ने, गए गलत ट्रेन में चढ़ गए। मैं वापस पहुंचा दरवाजे की तरफ, दरवाजा हो चुका था बंद, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं कैदियों की तरह खटका रहा हूं, ओपन ओ भाई साहब, मेरे पास सामान भी नहीं है, सामान मैनेजर लेके खड़ा हुआ, हर चीज का एक इलाज है, चेन खींच दो, चेन भी नहीं खींच सकते, हाईली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है। अच्छा, फिर वहीं से ना वो स्टेशन मास्टरानी निकल रही थी, ठीक है, और जो अरे फीमेल स्टेशन मास्टर यार वही वो निकली थी। तो मैंने कहा मैम दिस इज बर्लिन, कह रही नो, कहा मैम कैन यू स्टॉप, कह रही टू लेट, और कह के चल दी। मैं कहा बड़े रूखे स्वभाव के हैं यहां लोग, चल दी। अच्छा, पर फिर मैंने वो, अब देखो है तो फीमेल ना, कहीं ना कहीं तो वो भी किसी की माँ होगी, उसमें इमोशन तो होगा ही, तो मैंने वहां इमोशनली मैनिपुलेट करा, क्योंकि हम हुए हैं घर पे मैनिपुलेट, तो ये हमें आता बहुत अच्छे से। तो मैं फिर ट्रिम करके आया हूं दाढ़ी, काली काली घड़ियाल आदमी, और ठिकी सी औरत तारी 5 फुट 2 इंच की,
वेटर्स विद मैनेजर आल्सो मैंने लंबा कोट पहना हुआ था ठीक है मैं उसका पल्लू नीचे पल्लू जो भी पहुंचा जो भी होता है इसका जो भी लटक बेसिकली उसका एंड मैंने चेक किया जैसे क्योंकि मैंने कहां से सीखा मैंने मम्मी से सीखा क्योंकि मम्मी जब किचन में होती हैं हैंकी उनकी थोड़े होते होंगे बस तो यहीं से लगेगी मैंने तो उसको आ गई ममता उसने कहा कि कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं तो हाँ कह रही काम कुछ करते हैं तो उसने अच्छा उसको उसी टाइम अनाउंसमेंट भी करनी थी ट्रेन में कि लेडी जैम वी डिपार्टिंग ऐसा अभी नेक्स्ट स्टेशन इज अच्छा स्टेशन हर ना तीन स्टेशन हर नाम के तीन स्टेशन तो हैमबर्ग हैमबर्ग HBF और हैमबर्ग होबो पहुंचे तुम एक स्टेशन क्यों नहीं रख रहे मुझे आखिरी हैमबर्ग से चढ़ना था और पहले बर्लिन पे उतरना था आपको पता है 6C2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसके आप समझो तो उसको ना उसी टाइम जब मैं यहां बगल में रो रहा हूं रोने की एक्टिंग कर रहा हूं उसको ना अनाउंसमेंट भी करनी उस टाइम पे कि लेडीज जेंटलमैन अच्छा वो अपना वो लगी हुई है वो अपना जवान मरोड़ मरोड़ के ना जो बोलते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि किस दिन की जवान में क्रैम्प आ गया कि जवान की नस चढ़ गई है वो कह रहे वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हैमबर्ग नेक्स्ट स्टेशन इज हैमबर्ग तो दो मिनट के लिए मेरे को लगा मैं ठीक औरत से बात कर भी रहा हूं ये कुछ मुझे बता भी पाए बहुत टाइम के पाबंद हैं ठीक है फिर यहाँ पे भी अब ये जर्मन में अच्छा ये इसका अब मेरे साथ पंजाबी बंदा इस वेन्यू का नाम पता क्या है मैंने मुझे क्या समझ लगा जरूंडर थल्ले मैं कहा यहां तो मीका वीका के होते होंगे शो है जरूंडर थल्ले ही ना ये मेरे बाद में पता चला कि हल्ले इज हॉल हॉल हाँ यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि शो इज एट 7 वी स्टार्ट ऑन 7 मैं कहा आपको पता नहीं ऑडियंस कौन है मैं कहा हमारा ना इनके सेहत बनती नहीं जर्मनी वालों के साथ हम कभी टाइम पे नहीं आ सकते हम कभी हम वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से इनके साथ नहीं है कहां से जर्मनी में इन्होंने कहा है कि इंडोर है कोविड बाहर नहीं क्या अंदर आप मास्क पहन के रखो जैसे प्लेटफॉर्म पे उतरो फेंक दो ये क्या लॉजिक हुआ कि अंदर कैसे मतलब आउटडोर तो ज्यादा मतलब स्प्रेड होता ना कोविड हाँ इनके खिड़की नहीं वेंटिलेशन नहीं हाँ तो एक बंदे को अगर कोविड हो गया तो गया सारा हैमबर्ग तीनों गए